जो काम के लिए आए थे ना वो काम के लिए। तो भाई जिस काम से आए थे वो काम हो गया और अभिषेक को थोड़ा सा डाउट था जो कि क्लियर हो गया है। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और लास्ट वीडियो देखा होगा आपको पता होगा अभी हम जयपुर में हैं और यहाँ पर हमारा खाना आ गया है और हम जिस चीज के लिए आए थे मेन वो अभी जाने वाले हैं। मुझे अब लेना है टॉप बॉक्स और अभिषेक को पैनियर लगवाना है और भी सामान लेना है। और क्या क्या लेने वाले हो? जिब्बा, ये कह रहा है सरप्राइज रखूंगा, बताऊंगा नहीं, इसलिए अब्बा डब्बा चब्बा बन गया है। और खाने में इधर आया है बटर चिकन है, इधर चिकन, इधर रायता, इधर है पनीर और इधर बिरयानी, चपाती, चावल और इधर सैलेड। और जल्दी जल्दी सबको निपटाते हैं और फिर चलते हैं जिस काम के लिए आए थे वो, और प्लस यहाँ पर घूमने। जयपुर में क्या क्या घूमेंगे आज हम? हाँ भाई, आमेर फोर्ट जाएंगे, रात को मजा आ जाएगा उधर सही में। इससे पहले ये खाना खत्म कर लें जल्दी जल्दी, पहले मैं खाना खा लूँ, ये बातों में लगा के खाना खत्म कर रहे हैं। ऐसा खाने में इतनी मिर्ची देना कि उसके बाद मीठा मंगाया ब्राउनी विद आइसक्रीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, हालत ख़राब हो गई मेरी तो। तुम्हें भी लगी थी क्या मिर्ची खाने में? तो सही हो गया बिल्कुल, मैंने तो अभी तक खाया ना, मेरे को ज़्यादा मिर्ची लग रही है। भैया नहीं मंगवाई अपने लिए। हाँ, तीनों खाऊंगा मैं, मिर्ची इतनी लग रही है भाई कि अगर एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी मंगाई है इसीलिए। तो अब रेडी हो गया हूँ और अब जा रहे हैं हम जो काम के लिए आए थे ना वो काम के लिए। और अभिषेक जा चुका है तो थोड़ा सा फॉल्ट हो गया उसके साथ और हमें हंसी भी आ रही है जो सीन हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए थे पता नहीं अब वो होगा नहीं होगा, लेकिन जाते हैं और आपको भी बताते हैं और सीधा वहीं चल के तबला बजाएंगे हम अभिषेक का। और काम भी आपको बता देते हैं, मेरे को टॉप बॉक्स लेना था और अभिषेक को पैनियर और कुछ एसेसरीज लेनी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सही मिल रही थी। और टॉप बॉक्स जो मुझे चाहिए अपने 1250 GSA के लिए, जो कि दिल्ली में नहीं मिल रही और वही थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगा, तो यहाँ पर मेरे को पता चला तो मैंने सोचा यार चलो चलते हैं, घूम भी आएंगे और ले भी आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। और अब जा रहे हैं देख, जो कि हमारे होटल से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर दूर ही, हमने होटल उसी के पास लिया और जाकर देखते हैं कैसा है, अच्छा लगा तो ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर वही है जाकर ऑर्डर देंगे और वेट करेंगे आने का, क्योंकि हमारी जो ट्रिप बन रही है इस पर जाना है तो उसमें टाइम इतना नहीं है कि मैं वेट करूँ, बस ये है कि मिल जाएगा तो अपना सारा जुगाड़ हो जाएगा, सारा सामान आ जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रिप है उसमें टाइम ज़्यादा है और उसमें सामान भी ज़्यादा लेकर जाना है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ सब जल्दी जल्दी हो जाए। तो भाई जिस काम से आए थे वो काम हो गया और अभिषेक को थोड़ा सा डाउट था जो कि क्लियर हो गया है। अभिषेक ने पैनियर लिए हैं और उसको थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं अच्छे होंगे नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं और बहुत मजबूत हैं, तो अभिषेक ने ये फाइनल कर लिया। जो मेरा काम था वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या लेने आया था। ये टॉप बॉक्स देख रहे हो ना, ये मैं लेने आया था क्योंकि ब्लैक कलर है, दिल्ली में मुझे मिल नहीं रहा था और ब्लैक से ब्लैक मैच कर गया, प्लस इसका साइज बड़ा है, ये अनमोल के में लगा हुआ है, देखो छोटे साइज का है, छोटा सा डब्बा बहुत अजीब लगता है, बड़े बड़े पैनियर उसके बाद छोटा सा टॉप बॉक्स, और वो भी BMW का, इतना छोटा साइज ना बहुत अजीब लगता है, तो वो देखो थोड़ा बड़ा साइज है, साइज बड़ा है, लुक अच्छी है, प्लस वो मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैं आया कि ट्रिप भी हो जाएगी मिल भी जाएगी। और ये चीज़ मैंने अभिषेक को बोली कि वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है अगर तुम्हें चाहिए, तो अभिषेक ने कहा मैं भी चलता हूँ, अगर मुझे पैनियर लेने पसंद आ गए तो ले लूँगा और अभिषेक को भी पसंद आ गया। तो लुक बताना कैसी लग रही है मुझे, तो ब्लैक के साथ ब्लैक बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत अच्छा है, मतलब डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है, यूनिक है। और इसमें क्या है, साइज़ बहुत छोटा था, ये साइज़ देखो कितना है, ये 40 लीटर है, वो 45 लीटर है। और इस टॉप बॉक्स में उसमें एक फ़र्क और है जो मैं आपको दिखा दूं, इसमें देखो अंदर से ना बिल्कुल रो है और कुछ भी बैग रखो ना इससे फटने के चांसेस होते हैं, जो नीचे ये बने हुए हैं ना इसमें पूरा रो है। और ये दिखाता हूँ ये कैसा है, इसमें पूरा इस तरह से कवर है, जो लुक भी अच्छी लग रही है, प्लस पॉकेट है यहाँ पे कुछ सामान रखना हो, प्लस कुछ भी लगेज रखेंगे ना कहीं पर लगेगी नहीं। और इसमें ना ये एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है कुशन, जो कि अनमोल ने भी लगवाई थी, ये भी उसने एक्स्ट्रा लगवाई थी और इधर मैं भी एक्स्ट्रा लगवा रहा हूँ, अभी ऊपर का पार्ट लगेगा, नीचे का लग चुका है। और ये जो भी कोई पिलियन बैठेगा ना उसके सपोर्ट के लिए, तो आराम से सोफे की तरह इस पर बैठ सकता है। और आगे भी मैं एक ये लगवा रहा हूँ जो कि अच्छे अच्छे शॉट आपको दिखा सकूँ Insta360 के लिए, यहाँ से मेरी स्टिक है जो Insta360 की वो लग जाएगी और बिल्कुल प्यारे शॉट आएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। अभी भाई टाइम रात के 8:45 हो गए और यहाँ से थोड़ी बहुत नहीं बहुत शॉपिंग हो गई, वो बाद में दिखाएंगे। और अभी से एक ने ना ये राइडिंग जैकेट ले लिया और कुछ कुछ मेरे जैसी है, जैसी मैं अभी पहन के आऊँ, दिखाना आगे से, रेनॉक्स की पैंट है, रेनॉक्स की जैकेट है और शूज और आजो के हैं, बढ़िया लग रहा है, लेकिन बस कलर ब्लैक है, मेरा ब्लैक नहीं है, जो मेरे अल्पाइन के वो ब्लैक ही है, नहीं ब्लैक में अच्छा लग रहा है, ब्लैक में लुक आ रही है। मैंने भी एक दो चीज लिया लेकिन वो आपको बाद में दिखाएंगे। बाइक का काम में टाइम लग रहा था तो हम कुछ खाने के लिए आ गए और टाइम देखो पूरे 11 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी ऑर्डर कर दिया, खाना आने वाला, शेक वेक आ गया और ये स्टार्टर आ गया, बाकी अभी खाना आ रहा है। और एक सरप्राइज है, मतलब भाई का भी खर्चा हो गया
बुक्स देख के वो दिखा देते हैं, वो चल के दिखाएंगे। भाई का भी ज़्यादा खर्चा हो गया, इस भाई का भी हो गया, मेरा थोड़ा बहुत हुआ है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ थी मेरे पे, जो कुछ दो चार लेनी थी वो ले लिया, भाई का इसका तो हो गया। बल्ले इधर आ गया पिज्जा, और इधर अपने लोकेश भाई भी आ गए हैं और प्लान कर रहे हैं कल की ट्रिप का, मतलब कल कुछ एडवेंचर कुछ तूफानी करने वाले हैं। अभी आप प्लानिंग की कुछ ट्रेल वगैरह जाएं, जिस काम के लिए आए हैं वो सारी टेस्टिंग हो जाए नेपाल जाने से पहले, और जो बाइक में काम कर रहा है वो भी पता चल जाए पक्का है नहीं है, जो नटवट उसके ढीले हैं वो सही से है नहीं है, खासकर इसके मेरे तो पूरी लोड हुई है, लेकिन आए तो कुछ ना कुछ तूफानी करके ही जाएंगे। जो मैं बोल रहा था अनमोल का खर्चा, वो ये है कि उन्होंने टॉप बॉक्स चेंज करा के, ये वाला टॉप बॉक्स लगा लिया जो सेम अपना था, और ये वाला पुराने वाला टॉप बॉक्स। ये अभिषेक की भी पूरी बाइक रेडी हो गई है, टॉप बॉक्स और पैनियर सेम बिल्कुल जैसे थे, और आगे यहाँ पर हैंड गार्ड लगवाया और इधर लाइट लगवा ली है, तो इसकी बाइक भी पूरी टूरिंग के लिए रेडी हो गई है, और ये बम दर्द ना हो इसलिए सीट पर कुशन लगवा लिया है, तो इसकी अब पूरी रेडी हो गई है बाइक, अब कुछ कराने की जरूरत नहीं है। गुड आफ्टरनून घुमकड़ो, अभी टाइम हो गया है 2 बजने जा रहे हैं, और लास्ट शॉट जो देखा वो रात को 12 बजे का होगा, और हम होटल पे पहुंचते 2:30 बज गए थे। अभिषेक की बाइक में बहुत काम हुआ था, उसमें टाइम लग गया थोड़ा फिनिशिंग में और पूरा काम होने में, रात को आकर अनमोल और अभिषेक सो गए, मैंने एडिटिंग की वीडियो अपलोड की जिसमें 6:30 बज गए थे मुझे सोते, और 6:30 बजे के बाद 11:30-11 बजे ये उठे हैं, तो इनकी आवाज़ से उठे हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया, और फिर हमारा थोड़ा प्लान भी चेंज हो गया। पहले हमारा प्लान था हम ये होटल चेंज करें कहीं और जाएं, और कुछ आगे भी प्लान बनाया था वो कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ और प्लान हमने बना लिया है। तो अभी अनमोल और अभिषेक की एडिटिंग चल रही है, इनकी वीडियो थोड़ा लेट आएगी क्योंकि रात को कर नहीं पाए थे, और अब ये एडिटिंग करेंगे उसके बाद चलेंगे एक्सप्लोर करने। और हमारा रूम कुछ इस तरह का था, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया चारों तरफ से, लेकिन ये पूरा इसमें ना मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, स्पेस बहुत ज़्यादा, इधर भी वो दिया हुआ है टेबल, उधर भी से देखोगे तो वहाँ भी टेबल है अभिषेक के वहाँ पर, और इधर भी टेबल, लेकिन पूरा मैसी हो गया। इधर हमारी राइडिंग जैकेट हैं, इधर शूज़ हैं, इधर हेलमेट है, और कल मैंने लिया था एक ये बैग जो हेलमेट रखने के लिए, अगर हम फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो इस पर हेलमेट रख कर ले जा सकते हैं अगर हमें वहाँ पर बाइक रेंट पर लेनी है तो। और ये ग्लव्स लिए थे मैंने, और एक ये लिया था जो अभी यूज़ करने वाला हूँ, और अनमोल ने भी सेम ऐसा बैग लिया था, और ये इसका टॉप बॉक्स है, और उधर है वॉशरूम। चलो यार कुछ खाने तो चलो, भूख लग रही है यार, खुद मेरे पेट में गुड़गुड़ मच रही है बहुत बुरी वाली। चलो यार, वैसे वही ऑब्वियस सी बात है, वो तो हर बार आना भी लेट, खाना भी लेट, जाना भी लेट, सब चीज लेट है। मैं रात को चाहे 6:30 बजे सोया हूँ, लेकिन एडिट करके इसलिए अपलोड करके सोया। और ये रहा हमारा न्यू वाला टॉप बॉक्स, और उनको थोड़ा ना टाइम लग रहा है यार एडिट करने में, और बिना अपलोड करे वो जाएंगे नहीं, भूख भी लगने लगी है, और होटल में इसलिए मंगा कर नहीं खा रहे, कल मंगा कर खाया था ना बहुत ही ज़्यादा मिर्च लगी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और वो हमने बोला था स्पाइसी मत करना उसके बाद। तो मैं आया हूँ, धूप हो रही है तो बाइक ना साइड में वहाँ पर लगा देता हूँ, जो कि सीट वीट थोड़ी ठंडी हो जाए, नहीं तो जब जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, पूरे बम जल जाएंगे। चलो जी, कम से कम अब जाएंगे तो बम तो गर्म नहीं होंगे ना। इतने वो एडिटिंग कर रहे हैं, मैंने सोचा टाइम पास ही कर लूँ तो टेरिस पर आया हूँ। टेरिस पर इधर एक बार है और पीछे मेरे स्विमिंग पूल है, लेकिन गर्मी इतनी है तो पूल में जाने का तो मन नहीं है, शाम को देखेंगे जब मौसम ठीक हो जाएगा तो शायद चलें। और नीचे बार है, ऊपर यहाँ पर सिटिंग है, तो होटल तो अच्छा है, सिटिंग भी अच्छी है, बस जो अच्छा नहीं है ना वो खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची है तो यार खाया ही नहीं जाता। बाकी यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, पूरा ये नीचे अपना स्विमिंग पूल हो गया, और व्यू भी अच्छा है, और इधर से ये नज़ारा है सामने, देखो कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है, और उधर पहाड़ भी दिख रहे हैं। इधर से देखो पहाड़ और पास दिख रहे हैं, और सामने पहाड़ है। बाइक बहुत अच्छी है सर, थैंक यू, अच्छी लगी सर मेरे को बाइक, अच्छी लगी, यस थैंक यू, बाय बाय सर। चल लो यार, चल लो, कितना टाइम लगाओगे, 3 बजने वाले हैं, ना लंच ना ब्रेकफास्ट ना डिनर कुछ भी नहीं है, चल लो भूखे मारोगे क्या, अभी कितना टाइम लगेगा तुम्हें और,
आधा घंटा। मैं चाह रहा हूँ यार साथ में खाए। इतने यार ये रेडी हो रहे हैं, एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब स्टूडियो जो सब्सक्राइबर है वो सिर्फ 11% है और नॉन सब्सक्राइबर 88.9% है। मतलब इतने ज्यादा है जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगती है जब भी देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब में ज्यादा क्या है तुम लोगों का। फाइनली खाने के लिए मिल गया, बहुत मुश्किल से इनको लाया और भाई को खाने की बिरयानी थी। गूगल पर डालकर आ गए एक रेस्टोरेंट में, जब बिरयानी ऑर्डर कर रही और ये अपना वेज ऑर्डर कर रहा है। मुझे तो कुछ भी मिल जाए बस खाना है, भूख लग रही है। ना ब्रेकफास्ट ना लंच, अभी ये ब्रंच ही हो रहा है और बिरयानी खाएंगे। होश ही नहीं था सुबह से। कहते सबर का फल मीठा होता है, सही में बहुत मीठा हुआ क्योंकि बिरयानी जो थी ना एक नंबर थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। बस मुझे थोड़ी सी मिर्ची लग रही है इसलिए ये डबल का मीठा मंगा लिया। तुम्हें भी लग रही मिर्ची? मिर्ची थोड़ी ज्यादा लग रही है, बाकी टेस्ट एक नंबर था, मजा आ गया खाकर। अभिषेक का वेज खाना देख लो, पेप्सी भी छोड़ी हुई है, पूरी सब्जी भी छोड़ी हुई है, रोटी भी छोड़ी हुई है और ये भी छोड़ दिया उसने। और अगर आप जयपुर से हैं या जयपुर आने वाले हैं तो हैदराबाद बिरयानी जरूर आना, हैदराबादी दम बिरयानी एक नंबर टेस्ट था। बैक टू होटल, बिरयानी खाकर होटल आ गए हैं लेकिन यहाँ पर अनमोल सो गया है और मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही है और अभिषेक अपना काम कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर कहीं आगे जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उसके लिए अलग व्लॉग बना देंगे। लेकिन इस वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और शाम को शायद हम नारगढ़ फोर्ट जाएंगे। क्यों जी?